बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीक 8, ग्रेड 1, सेक्शंस ए बी सी डी, सब्जेक्ट इज कंप्यूटर, यूनिट नंबर 4, टॉपिक नो योर कीबोर्ड, पेज नंबर 29 एंड 30। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 14। रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। नंबर 1, How we can write on a computer. Number 2, use of alphabet keys. Number 3, use of number keys. Learning objectives of this lecture. Students will be able to learn about number 1, हम टू वर्ड्स या टू लेटर्स के दरमियान में ब्लैंक स्पेस को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, एंटर की का यूज़। ड्रिल वर्ड्स ऑफ दिस लेक्चर। लॉन्गेस्ट, लंबी। इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल करना। बिटवीन, दरमियान। ब्लैंक स्पेस, खाली जगह। प्रेस्ट का मतलब होता है दबाना, मूव, हरकत करना। स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्पेस बार। कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है उसे हम स्पेस बार कहते हैं, ठीक है। कीबोर्ड जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीज़ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो कीबोर्ड के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट की होती है वो स्पेस बार होती है, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर बाकी जितनी भी कीज़ होती है, जैसे कि अल्फ़ाबेट कीज़ है, डिलीट की है, एंटर की है, न्यूमेरिक कीज़ है, सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट कीज़ है तो उसके ऊपर ए बी सी डी ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे। अगर न्यूमेरिक कीज़ हैं तो उनके ऊपर नंबर्स लिखे होंगे, 1 2 3 4। डिलीट की के ऊपर लिखा होगा डिलीट की, ठीक है। ऐसे सबके ऊपर कुछ ना कुछ मेंशन होगा, लेकिन जो स्पेस बार की होती है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता और वो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। अब हम स्पेस बार की का यूज देख लेते हैं। टू वर्ड्स या टू लेटर्स के दरमियान में ब्लैंक स्पेस को इंसर्ट करने के लिए हम स्पेस बार की को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम कंप्यूटर के ऊपर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमने वन वर्ड लिख लिया है, उसके बाद हम ब्लैंक स्पेस को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड वर्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इन लेटर्स के दरमियान में स्पेस नहीं देंगे तो वो वर्ड्स आपस में मिल जाएंगे तो हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम स्पेस बार की हेल्प से उन लेटर्स के दरमियान में ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करते हैं तो फिर वो लेटर्स सेपरेट हो जाते हैं, हम उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लेटर्स के दरमियान में भी स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की को यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट की है वो है एंटर की। कीबोर्ड के ऊपर एंटर की जो होती है वो टू शेप्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एंटर की जो होती है ये हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए इसे प्रेस करते हैं। यानी कि अगर हमने कंप्यूटर के ऊपर वन सेंटेंस लिख लिया है तो अब हम नेक्स्ट लाइन पे आना चाहते हैं तो हम उसके लिए एंटर की को प्रेस करेंगे तो जो कर्सर होगा वो फ़ौरन से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। जो स्पेस बार की होती है इसकी हेल्प से भी हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं, लेकिन स्पेस बार की हेल्प से जो कर्सर होता है वो बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत टाइम लगता है नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। लेकिन जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है वो फ़ौरन से नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, ठीक है।